बूंद बूंद पानी को तरस रहा यमुनोत्री का मुख्य पड़ाव। पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, कम से कम एक महीना हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं पूरा हो पा रहा है। यहाँ तभी भी पानी की बहुत परेशानी है, ज्यादा ही 1-1.5 किलोमीटर से लोग पानी ला रहे हैं और हद होगी बिल्कुल ही ना। पानी की कमी के चलते लोगों का फूटा गुस्सा, बर्तनों के साथ किया जोरदार प्रदर्शन। बड़कोट में बाल्टी बर्तन बजाकर प्रशासन को जगाने में जुटे स्थानीय निवासी। यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए, देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुँचने शुरू हो गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि होटलों में जो है 8 से 10 हजार यात्री पर डे आ रहे हैं, उनको भी पानी की जरूरत है। चार धाम की यात्रा हो गई शुरू, अब तो पानी की पुकार सुन लो सरकार। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के बड़कोट जिले की हैं, जो तीर्थ यात्रियों के लिए यमुनोत्री का मुख्य पड़ाव भी है। यहाँ पेयजल की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों को अब बाल्टी बर्तन लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अपनी आवाज को किसी भी तरह प्रशासन तक पहुँचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। शासन प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि महिला बच्चे समेत कई लोग सड़क पर उतर आए। काफी समय से बड़कोट के स्थानीय निवासी पेयजल की समस्या को लेकर जल संस्थान के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पीने के पानी के लिए बूंद बूंद तरसना पड़ रहा है। प्रशासन ने जब इनकी गुहार नहीं सुनी तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर खाली बाल्टियां बजाते हुए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही तहसील चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर बड़कोट को पानी दो पानी दो और पानी नहीं तो बिल नहीं के नारे के साथ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि नगरवासी 1.5 महीने से पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। महिलाओं को खासतौर पर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि पीने के पानी के अलावा नहाने और कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं उमा रानी गुप्ता हूँ और बड़कोट से बोल रही हूँ, जबकि जमुना के किनारे हैं यहाँ, तभी भी पानी की बहुत परेशानी है, ज्यादा ही 1-1.5 किलोमीटर से लोग पानी ला रहे हैं और हद होगी बिल्कुल ही ना। ऐसा कभी नहीं हुआ जीवन में, जो पहली बार हम देख रहे हैं ऐसा। पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, कम से कम एक महीना हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं पूरा हो पा रहा है। आ रहा बस एक टाइम पे आ रहा है, उसमें हम हाँ अब टैंकर आते हैं शाम के टाइम आएगा एक टाइम बस, उसमें या तो 2 टाइम तो कम से कम टैंकर भेजिए, नहीं तो पानी बहुत ही किल्लत है पानी की। लोगों का कहना है कि बड़कोट में पंपिंग योजना का काम काफी समय से अटका हुआ है, तमाम वादों के बाद भी काम अभी तक नहीं शुरू हो पाया। लोगों की मांग है कि पंपिंग योजना के लिए जल्द से जल्द धनराशि की व्यवस्था की जाए। इन दिनों गर्मी शुरू होते ही समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। प्रत्येक वार्ड में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है, लोग बड़े परेशान हैं। कई जो हैं, जिस तरह से वार्ड नंबर 4 का निचला हिस्सा है, वो तो बस अड्डे पे आकर के पानी की पीने का पानी जो है टैंकर से वहाँ पहुँचता है तब लेके जा रहे हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 7 वार्डों में पानी की किल्लत हो रखी है। और ऊपर जो है टैंक में पानी नहीं है। जल निगम द्वारा जो है 2018 में सर्वे हो चुका है, 2019 में प्रतिकर भी बढ़ गया है पंपिंग योजना का, तो वो आज तक स्वीकृत नहीं हुई। और नगर के सारे लोग जो है पानी के लिए त्राई त्राई मान रहे हैं यहाँ पे, और सब चाहते हैं कि ये पंपिंग योजना जल्दी स्वीकृत हो, ताकि जो है नगर पालिका के जो लोग हैं जो पानी से जो है परेशान हैं उनको पानी मिल सके। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए, देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि होटलों में जो है 8 से 10 हजार यात्री पर डे आ रहे हैं, उनको भी पानी की जरूरत है। लंबे इंतजार के बाद अब लोगों का सब्र टूटना शुरू हो गया है। पंपिंग योजना सालों से शुरू नहीं हो पाई। लोगों की मांग है कि सरकार जल्द पंपिंग योजना के लिए बजट देकर इसका समाधान करे। बड़कोट जो यमुनोत्री का मुख्य पड़ाव है, अगर प्रशासन ने जल्द ही यहां पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो लोगों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में प्रशासन कब तक इन लोगों की सुनता है, या बड़कोट में पेयजल की समस्या इसी तरह बनी रहेगी।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।